नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिल्ली ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है, ठीक है जी। और टोटल पोस्ट है कि आपकी 418 यानी 418। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मिल सके, ठीक है जी। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है जी, तहिरपुर न्यू दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का। और ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020, ठीक है जी। इसमें आपको क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और आपको ईमेल करना है, ईमेल एड्रेस से आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है जी। अब इस वीडियो की पूरी डिटेल से देख लेते हैं। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, आपका स्टार्टिंग में 1 साल का रहेगा और ये आगे मैक्सिमम 5 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं आप, ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की रहेगी 7 मई 2020 और क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 22 मई 2020 को रात के 12 बजे तक, ठीक है जी। और अब देख लेते हैं कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहेगी, क्या आपके सैलरी रहेगी और किस ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट कोड का नाम है 1/20, ठीक है जी। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी पोस्ट, और इसमें आप देख सकते हो टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 8, इसमें एंथेसिया में है और ये कार्डिक में 4 पोस्ट हैं और इसमें 1 पोस्ट है और बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, ठीक है जी। टोटल देख सकते हो आप, यू आर के लिए कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट आएगी, SC कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, OBC के लिए 15 पोस्ट आएगी और आपकी ST के लिए 4 पोस्ट है और EWS के लिए 5 पोस्ट रहेगी, ठीक है जी। रिजर्वेशन रहेगा आपका। सैलरी की बात करें, सैलरी रहेगी आपकी 15,600 से लेके 39,100 रुपये और प्लस GP, ठीक है जी। ग्रेड पे रहेगा आपका 6,600 रुपये और ये आपकी सैलरी देख सकते हो 1,25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ के हिसाब से, ठीक है जी, ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और आप ये देख सकते हो उनकी इस ऑफिशियल ईमेल पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने इस पोस्ट के लिए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो APRGSSH@gmail.com, ठीक है जी। इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे आपको। ये आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज ये पोस्ट थी, ठीक है जी। और ये आपके डिपार्टमेंट वाइज दे रखे कितनी कितनी पोस्ट रहेगी। टोटल रहेगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस डिपार्टमेंट में 51 पोस्ट थी। अब कल नेक्स्ट है आपकी 2/20 पोस्ट को, ठीक है जी। पोस्ट रहेगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है जी। इसमें बात करें टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 14, ये देख सकते हैं 14 पोस्ट रहेगी। और इसमें बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो UR के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट रहेगी और EWS के लिए 1 पोस्ट रहेगी। सैलरी देख सकते हो आप, सैलरी रहेगी कि 15,600 लेके 39,100 रुपये और GP रहेगा आपका 7,600 रुपये और कंसोलिडेट बेसिक रहेगी आपकी 1,65,000 रुपये, ठीक है जी। और आप इस ईमेल एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे फॉर्म को फिल करने के बाद, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो APASPRGSSH@gmail.com, ठीक है जी। जो आपका पोस्ट है ना उसका स्टार्टिंग के वर्ड और बाकी आपकी ये रहेगी, ठीक है जी। जिसके एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपका लगा दे ASP और बाकी ये है, ये हॉस्पिटल का नाम है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल @gmail.com, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट का नाम है प्रोफेसर, ये इस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट है। टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 11 पोस्ट, UR की 6 पोस्ट हैं, SC की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट आएगी, ST की कोई पोस्ट नहीं है, EWS की 1 पोस्ट है, ठीक है जी। और इंक्लूडिंग 1 फिजिकल हैंडीकैप की रहेगी, डिसेबिलिटी, ठीक है। सैलरी आप दे सकते हो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये प्लस GP रहेगी आपकी 8,700 रुपये, ठीक है जी। यानी कि आपके पर मंथ मिलेंगे 2,00,000 रुपये कंसोलिडेट बेसिस, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो
इस ईमेल एड्रेस पे आपको फॉर्म फिल करके सेंड करने डॉक्यूमेंट्स। ये रहेगी आपकी पी यानी कि प्रोफेसर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हॉस्पिटल @gmail.com, ठीक है, इसमें आपको ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ईमेल आईडी से। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है आपका, पोस्ट कोड रहेगा कोई 4/20, ठीक है जी। ये है मेडिकल ऑफिसर, इसकी टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 8। चार फोर पोस्ट है यूआर के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, ओबीसी की 2 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ठीक है जी। सैलरी देख सकते हो आप, वही रहेगी सैलरी तो 15,600 से लेके 39,100 रुपये प्लस जीपी रहेगा आपका 5,400 रुपये, ठीक है जी। और ये आप मेल आईडी पे भेज दो, मेल आईडी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ में। ये रहेगा MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर राजीव गांधी सिविल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल @gmail.com, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट कोड है 5/20, नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टाफ नर्स की, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, 209 पोस्ट रहेगी इसमें। यूआर रहेगी 87 पोस्ट रहेगी, एससी की 31 रहेगी, ओबीसी की 56 है, एसटी की 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 20 पोस्ट है, ठीक है जी। सैलरी देख सकते हो, सैलरी रहेगी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये प्लस में आपका 4,600 रुपये कंसोलिडेट बेसिस रहेगा, ठीक है जी। आप ईमेल करोगे इस पे norgshh@gmail.com। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट रहेगी आपकी, कोड रहेगा 6/20, टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की। ये रहेगी 2 पोस्ट रहेगी आपकी ब्लड बैंक टेक्नीशियन की, ठीक है जी। सैलरी की बात करें, सैलरी 9,300 से लेके 34,800 रुपये और 4,200 रुपये ऑन कंसोलिडेट बेसिक रहेगी आपकी। ईमेल करोगे आप tecrgshh1@gmail.com, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट का नाम है, कोड है 7/20, टेक्नीशियन ग्रेड 2। ये आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल रहेगी आपकी 98 पोस्ट रहेगी। ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, CSSD टेक्नीशियन, CTSC, ये टोटल करके आपकी 98 पोस्ट रहेगी। यूआर के लिए रहेगी 43 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट, ओबीसी के लिए 27, एसटी के लिए 7 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट रहेगी। सैलरी की बात करें, सैलरी रहेगी आपकी 5,200 से लेकर 20,200 रुपये प्लस जीपी आपका 2,800 रुपये, ठीक है जी। और आप इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी है tecrgshh@gmail.com, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट कोड रहेगी 8/20, डेंटिशियन, टोटल पोस्ट रहेगी 2, वो भी है यूआर के लिए, ठीक है। सैलरी रहेगी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये और आपको इस ईमेल एड्रेस पे मेल करनी होगी dentergshh@gmail.com, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्ट कोड रहेगी 9/20, फार्मासिस्ट की है 4 पोस्ट, 3 रहेगी यूआर के लिए, 1 रहेगी आपकी ओबीसी के लिए। सैलरी के बाद सैलरी रहेगी 5,200 से लेकर 20,200 रुपये और जीपी रहेगा आपका 2,800 रुपये। मेल करोगे आप phrgshh@gmail.com। नेक्स्ट पोस्ट रहे आपकी, कोड रहेगा 10/20, साइकोथेरेपिस्ट की, ये रही 3 पोस्ट। ये रही आपकी जर्नल के लिए, यूआर के लिए अनरिजर्व। सैलरी रहेगी आपकी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये प्लस में 4,200 रुपये कंसोलिडेट बेसिक रहेगी। इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी है, ठीक है जी। physiorgshh@gmail.com। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट कोड रहेगा 11/20, 11/20, ठीक है जी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट 1 पोस्ट रहेगी अनरिजर्व के लिए। सैलरी रहेगी आपकी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये, जीपी रहेगा 4,800 रुपये, ठीक है जी। ये आप इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी है osrgshh@gmail.com। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट रहेगी आपकी सोशल वर्कर की, ठीक है। 1 पोस्ट रहेगी आपकी अनरिजर्व के लिए। सैलरी रहेगी 5,200 से लेकर 20,000 रुपये और प्लस में 2,800 रुपये, जीपी रहेगा कंसोलिडेट बेसिस। मेल आईडी ये दे रखी आपको socrgshh@gmail.com। नेक्स्ट पोस्ट कोड रहेगा आपका 13/20, पोस्ट रहेगी LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की। टोटल पोस्ट रहेगी 14, जिसमें यूआर की रहेगी 7 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। सैलरी की बात, सैलरी रहेगी आपके 5,200 से लेकर 20,200 रुपये प्लस 1,900 रुपये जीपी। और ये दे रखा है आपको, इसी ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी है
rgsss@gmail.com, ठीक है जी। ये पूरी डिटेल से बता दिया अभी, कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कौन कितनी पोस्ट रहेगी, क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और आपको किस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके बैक करके इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है जी, जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और किस ई मेल एड्रेस पर आपको सेंड करनी है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है उन्होंने, ये दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी आपकी पीजी, ठीक है जी, पीजी क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर एमडीएमएस होना चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है, 3 से 6 साल का। और ये एक्सपीरियंस इसमें देख सकते हो, जनरल डिसिप्लिन में देख सकते हो आप एमडीएमएस पीजी, ठीक है जी। सुपर स्पेशलिस्ट के लिए नो एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। एज की बात, एज रहेगी आपकी 55, ठीक है जी। और एज रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे पोस्ट का नाम था एसोसिएट प्रोफेसर, इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है जी, पीजी एमडीएमएस और सुपर स्पेशलिस्ट के एम दे सकते हो, ठीक है। मास्टर डिग्री इसमें मांग रखी है 3 ईयर और 6 ईयर रिकोगनाइज कोर्स मांग रखा है, ठीक है जी। और एक्सपीरियंस आप दे सकते हो इसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है और सुपर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एज की बात करते, एज रहे हुए 60 से 66 साल एज लिमिट दे रखी है, ठीक है जी। मैं प्रोफेसर की बात करें, प्रोफेसर के लिए पीजी मांग रखा है एमडीएमएस और ये 3 से 6 साल का कोर्स मार का कंप्लीट, ठीक है, रेगुलर और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। एज लिमिट दे रखी है आपकी 60 से 66 एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम था मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है MBBS, ए डिग्री ऑफ MBBS कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल से एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। एज लिमिट दे रखी है 55 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट आएगी आपकी नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है जी। इसमें डिप्लोमा होता है नर्सिंग का या फिर BSc नर्सिंग से कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी, ठीक है जी। और एज लिमिट रहेगी 50 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट का नाम रहेगा टेक्निकल ग्रेड 1 ब्लड बैंक के लिए, क्वालिफिकेशन रहेगी मैट्रिक या प्लस 2 या सीनियर सेकेंडरी विद साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए MLT का, ठीक है जी। और 1 साल का और आपको देखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन 11 ईयर एक्सपीरियंस, 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट ब्लड बैंक में, ठीक है जी। या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन की और एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 8 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट और एज लिमिट देख सकते, एज लिमिट है 50 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2, क्वालिफिकेशन देखें मैट्रिक डिप्लोमा मांग रखा है 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है जी। और एज देर के 50 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, क्वालिफिकेशन देखिए सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 विद साइंस, 2 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोलॉजी में और 5 ईयर एक्सपीरियंस और आपके 50 ईयर एज देर की है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2, इसमें आपके मैट्रिक और प्लस 2 देर के विद साइंस और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का, ठीक है जी। और आप डिटेल से देख सकते हो एज देर के 50 ईयर्स टेक्नीशियन ग्रेड 2, ये आप देख सकते हो जो भी कोर्स किया है उसके रिगार्डिंग आपका और साथ में एक्सपीरियंस मांग रखा है या फिर BSc MLT विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है जी। डेंटिशियन का दे रखा है इनिशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और एज 50 ईयर देख सकते हो आप। वहीं फार्मासिस्ट का देख सकते हो B Pharma, ठीक है जी, 2 ईयर फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट देखते 50 ईयर। फिजियोथेरेपिस्ट की देखिए क्वालिफिकेशन प्लस 2 विद साइंस डिप्लोमा और या फिर डिप्लोमा विद फिजियोथेरेपी, ठीक है जी। और आपको एक्सपीरियंस दे रखा है कितना होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। एज के बाद एज रहेगी 50 ईयर्स। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी, और 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज दे रखी है 50 ईयर्स एज दे रखी है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी आपकी मेडिकल सोशल वर्कर की, क्वालिफिकेशन देखिए पोस्ट PG होना चाहिए सोशल साइंस से, ठीक है जी। एक्सपीरियंस 6 मंथ्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एज दे रखी है 50 ईयर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्ट है LDC
क्वालिफिकेशन देख के आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और कंप्यूटर के नॉलेज होने चाहिए, और एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टाइपिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और आपका एक्सपीरियंस मार्केट 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। इन हॉस्पिटल जहाँ पे 200 बेड या से अधिक बेड हो उसमें आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और एज लिमिट देख के 50 ईयर्स। OBC SC ST के लिए अलग से इसमें एज में छूट है। और दोस्तों ये देख सकते हो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी है, ठीक है जी, इनमें आप रीड करके आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो मोड ऑफ सिलेक्शन का दे रखा है इन्होंने भी कैसे क्या करना है। इसमें नो एग्जामिनेशन फीस, ठीक है जी, कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप विजिट करके भी दे सकते हो पूरी डिटेल। और ये आपका ये देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपके कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी, ये आपको मेंशन कर रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म है भी कैसे भरना ये देख लेते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट आएगा, और पोस्ट अप्लाइड कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी और ड्यूली साइन विद खुद से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है जी, हिमसेल्फ। और पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, नेम ब्लॉक लेटर बड़े अक्षरों में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और एज लिमिट ये दे रखा है, एज ऑफ ईयर्स दे रखी है, कौन सी कैटेगरी से, एड्रेस परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। आपकी क्वालिफिकेशन है कब से कब तक है, कौन कौन सी डिग्री की है, ये आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके साइन होंगे, डेट ऑफ प्लेस, और ये आपको एक अंडरटेकिंग मांग रखी है, ठीक है, जिसपे आपके एप्लीकेंट साइन, ये भी साथ में टेस्ट फिल करके स्कैन करके आपको जो ईमेल एड्रेस ऊपर बताया था उसके ऊपर आपको सेंड करनी है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।